अपना वादा निभाने को तैयार फूल सिंह बरया। बीजेपी के 50 से अधिक विधायक जीतने पर किया था काला मुंह करने का ऐलान। फूल सिंह बरया के बंगले पर उमड़ा उनके समर्थकों को कसेला। कुछ देर में बंगले से राजभवन के लिए कूच करेंगे फूल सिंह बरया। फूल सिंह बरया के राजभवन पहुंचने से पहले ही पुलिस हुई सतर्क। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने की बैरिगेटिंग कर रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस कर रही है रोकने की तैयारी। जो मैंने कहा था वो कर दिया। मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है और ईमानदारी से चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक नहीं जीत पाएगी। ये मेरे पास कैलकुलेशन है क्योंकि भाजपा के पास नेचुरल वोट नहीं है जी। मेरे पास कैलकुलेशन है इसका, मैं उस पर काम कर रहा था। लेकिन ईवीएम का जब घोटाला आया सामने तब सरकार को वो लूट ले गए, तब फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जो मैंने कहा था वो करूंगा। मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं कि कह देते हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, कह देते हैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कह देते हैं काला धन वापस लाऊंगा, कह देते हैं कि नोटबंदी अगर गलत साबित हुई तो मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका देना, कह देते हैं कि दलित को गोली मारने के पहले मुझे गोली मार दें। जब इसका उत्तर पूछा गया तो अमित शाह जी बोलते हैं ये तो चुनावी जुमला है। क्या इंसान का जीवन चुनावी जुमला है? क्या इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फूल सिंह बरैया आज कैलकुलेशन आपको बता रहा है कि बैलेट पेपर का मामला है। पोस्टल बैलेट्स में 230 विधानसभा सीटों में 199 कांग्रेस जीती है, 31 पर बीजेपी जीती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मैंने तो 50 का ही प्रतिज्ञा की थी कि तो 31 पर जीत रही है। और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो 200 सीटें कांग्रेस लेकर के सरकार बना ले। तो आप ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे? ईवीएम का रिजल्ट है 163 बीजेपी और 66 कांग्रेस, ये ईवीएम का रिजल्ट है। और बैलेट पेपर का रिजल्ट कौन सा है? 199-31। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब हम ईवीएम की विदा करेंगे, इसकी हमारी लड़ाई है। और देश अगर बचाना है, संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है तो काला मुंह करना तो हमारे लिए छोटी बात है, लहू बहा करके लाल मुंह भी करने को हम तैयार।